हेलो फ्रेंड, मैं शशि राही स्वागत करता हूँ एक बार आपका फिर से आज के इस ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है ये आपने कई बार फेस करी होगी, जब आप एक पाथ बनाते हैं, जैसे कि आपने ये पाथ बनाया और आप इसको फिल करते हैं, रीफिल नहीं होता, वहीं आपने एक फ्री हैंड पाथ बनाया है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक फ्री हैंड पाथ बनाया और आप इसको अगर इतना सा भी नहीं भरते, देख सकते हैं आप, और उसमें अगर आप कलर कोई कलर फिल करेंगे तो वो फिल नहीं होगा। और यहाँ रही बात लाइन की, अगर आप कोई लाइन बनाए उसको कलर फिल नहीं होगा, तो फ्रेंड्स क्या है वो ट्रिक जिससे हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप एक फ्री हैंड पाथ बनाते हैं या फिर आपने कोई एक सर्किल ड्रॉ किया और इसका जो पाथ है वो आर्क आपने ड्रॉ किया, अब क्या होता है जब आप इसे फिल करते हैं तो ये फिल नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएं टूल्स पर और ऑप्शन बटन पर क्लिक करें या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल जे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप सबसे पहले जाएं वर्क स्पेस, देखिए ध्यान रहे वर्क स्पेस में एक जर्नल है, जर्नल ऑप्शन है, आपको इस पर नहीं आना, आप उसको क्लोज कर दें। अब आप आएँ डॉक्यूमेंट को आप एक्सपेंड करें और यहाँ देखें आप जर्नल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो एक ऑप्शन है फिल ओपन कर्व्स, तो आप इस पर चेक लगा देंगे। अब आपको करना है ओके, और अब आप देख सकते हैं जैसे आपने जो आपको जो पाथ था वो आपने फ्री हैंड जो ड्रॉ किया था वो ऑटोमेटिकली उसमें कलर फिल हो जाएगा। देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अब मान लीजिए आपने कोई पाथ फ्री हैंड ड्रॉ किया, देखिए वो ऑटोमेटिकली उसमें कलर फिल हो गया। देखिए अगर आप उसमें कोई कलर फिल करेंगे तो वो कलर फिल होगा, ठीक है। अगर वहीं आप आर्क ड्रॉ करते हैं तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।